हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर। सिंपल वर्टिकल बॉयलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिंपल वर्टिकल बॉयलर क्या होता है, इसके जो सेल है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस ट्रेवल करता है और सराउंडिंग में वाटर होता है, इसीलिए इसको हम बोला गया है फायर ट्यूब बॉयलर। सिंपल वर्टिकल बॉयलर इज प्रोड्यूसिंग स्टीम इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसका जो साइज होता है बॉयलर का बहुत ही कम होता है और जनरली इस बॉयलर को हम लोग जो प्लेस इंस्टॉल करते हैं, अगर लिमिटेड हमारे पास स्पेस होता है वहां पे इंस्टॉल करते हैं इस बॉयलर को। स्टीम जनरेशन कैपेसिटी जो होता है इस बॉयलर का वो 1000 kg/h एंड द मैक्सिमम स्टीम प्रेशर अप टू 10 bar। अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये देख रहे हैं हम लोग, ये कंप्लीट लेआउट बना हुआ है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का। अब इसका वर्किंग समझते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेट लगा हुआ है। ग्रेट जो होता है जनरली कास्ट स्टील वायर का बना हुआ होता है, इसके बीच में स्पेसिंग होती है ताकि इसके अंदर एयर पास हो सके और जो कोल है वो कंप्लीटली बर्न हो सके। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर कोल रखा हुआ है और जब बर्न होने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे एस निकलता है, तो उस एस जो है ये एस पिट में इकट्ठा हो जाता है। यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं वो फीड चेक वाल्व है। फीड चेक वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को सप्लाई करते हैं, इसके थ्रू वाटर को फीड करते हैं सेल के अंदर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि फायर होल है। फायर होल का काम क्या है कि इसके थ्रू कोल को हम लोग एंटर करते हैं और जो ग्रेट के ऊपर हम लोग कोयला को रख करके बर्न करवाते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हैंड होल है। हैंड होल का काम क्या होता है कि अगर हमें मेंटेनेंस करनी होती है तो इसके अंदर हैंड को एंटर करके और उसको सफाई कर लेते हैं। यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं वो फ्यूजुअल प्लग है। फ्यूजुअल प्लग का काम क्या होता है, यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं ये फायर बॉक्स है और ये जो जनरली इसको जो फ्यूजुअल प्लग जो होता है वो फर्नेस के ऊपर लगा हुआ होता है। फ्यूजुअल प्लग का काम क्या है कि अगर बहुत ज्यादा अगर हीट इस जो फर्नेस है यहां पे अगर बहुत ज्यादा सेल के अंदर हीट अगर जनरेट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्यूजुअल प्लग है ये गन मेटल का बना हुआ होता है तो ये फ्यूज कर देता है। जब ये फ्यूज करता है तो क्या होता है कि यहां से वाटर स्प्रे होता है, ये इसके ऊपर गिरता है। जब वाटर स्प्रे होता है तो क्या होता है यहां पे हीट जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसका काम है फ्यूजुअल प्लग का। यहां पे देख रहे हैं कि एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर वाटर के लेवल को बताता है ये कि वाटर का लेवल कितना है। एक पार्ट कनेक्टेड होता है वाटर से, एक पार्ट जो है कनेक्टेड होता है स्टीम से होता है। यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं ये है मैन होल। मैन होल का काम क्या होता है कि अगर मेंटेनेंस करनी होती है तो मैन होल यहाँ पे ओपन करते हैं और इसके अंदर एंटर होकर के इसको सफाई करते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज का काम क्या है कि स्टीम के प्रेशर को बताता है ये प्रेशर गेज। यहां पे देख रहे हैं स्टीम स्टोव वाल्व। स्टीम स्टोव वाल्व क्या है कि जब वाटर स्टीम में जब कन्वर्ट होता है यहां से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पे आता है स्टीम स्टोव वाल्व में। अब यहां से स्टीम स्टोव वाल्व से आगे सप्लाई करते हैं जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होता है। यहां पे देख रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है कि अगर सेल के अंदर अगर स्टीम का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो गया है जितना होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेफ्टी वाल्व है ये ओपन हो जाता है और स्टीम जो है बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। ये सिलेंड्रिकल सेल है। अब हम इसका देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहां से देख रहे हैं कि ये ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर कोल को रखा हुआ है। यहां पे हम लोग बर्न करवाते हैं। जब क्या होता है कि जब बर्न करवाते हैं तो हॉट गैसेस निकलता है। हॉट गैसेस जो निकलेगा वो क्या होगा, यहां पे जो देख रहे हैं जो सेल देख रहे हैं सेल के अंदर वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हॉट गैसेस जब बर्न होने के बाद क्या मिलेगा, हॉट गैसेस अब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा। जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो यहां तक वाटर का लेवल है, इसके ऊपर जो ये वाला जो पार्ट जो देख रहे हैं वो
स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे। अब हम यहां पे एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है क्रॉस ट्यूब्स लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे ये देख रहे हैं क्रॉस ट्यूब है। क्रॉस ट्यूब का जनरली हम यहां पे जो देख रहे हैं वो इंक्लाइंड होता है। इसका पर्पस ये है कि इंक्लाइंड यहां पे हम लोग जो रखते हैं कि हीटिंग एरिया जो है वो इंक्रीज हो सके एंड ऑल्सो इंक्रीज द वाटर लेवल। तो हमारा इसलिए पर्पस ये होता है क्रॉस ट्यूब लगाने का कि हीटिंग जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और वाटर लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वाटर जो है यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हॉट गैसेस जो मिलेगा तो हॉट गैसेस फिर क्या होगा, ये वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर ये वाटर जो है धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो गैसेस जो होंगे वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको